मैं सिंगर नहीं होता ना, नीचे उतर के तोड़ो इसको। रिंग वगैरह ज्यादा ही कर लेते थे ना, सच बताना बहुत मुश्किल काम होता है, हमें कोई नहीं पूछता। एक तो मैं आपस में फालतू की बातें करनी नहीं चाहिए, मिलजुल के चीजें बड़ी बनती है एक दूसरे के, उसमें क्रेडिट पे नहीं होना चाहिए। फालतू की बातें ना करके हम इसको ना ज्यादा डिमोटिवेट करें आपस में तो अच्छा है। वो आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। भाई आपके गाने आपको खाने कमाने देंगे, पूरी फैसिलिटी चाहिए, मतलब सबसे आगे नाम चाहिए, अवार्ड पकड़ाएगा तीसरे चौथे सिंगर को होगा दर्द। उस दिन मेरी बहस करने का मेन मुद्दा ये था, मैं डेली पीता हूँ, मेरे मन में जो आ रहा है मैं वो कर रहा हूँ। बार बार गाड़ियों क्या गाड़ियां लगाई जा रही थी, बाइक्स लगाई जा रही थी रोकने के लिए। अब ये समझ में फैन है ये क्या है, बिल्कुल वो कवर्ड थे हेलमेट से, कोई अपने उनके नंबर नहीं बाइक पे। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग। तो भैया आज आए हैं हमारे यहाँ पे फाजल पुरिया भाई और बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारा धमाका होने वाला और ऐसी ऐसी बातें जो आपने आज तक सुनी नहीं है। तो फाजल भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया जी, नमस्कार, राम राम। तो पहले तो ये बता दीजिए मुझे कि फैजल पुरिया नाम आपका कैसा पड़ा और क्यों रखा आपने नाम, और आपका रियल नेम क्या है? मेरा रियल नेम है राहुल यादव और मेरे गांव का नाम है फाजिलपुर। तो हम, मैं और बादशाह भाई, हम बैठे थे चुल गाना करने से पहले हम डिस्कस कर रहे कि आर्टिस्ट नेम होना चाहिए। तो जब ऐसे डिस्कस करते करते हैं कि गांव का नाम की है फाजिलपुर, इसको फाजिलपुरिया करते हैं। बहुत बढ़िया। तो मतलब कितना टाइम हो गया फाजिलपुरिया रखा है नाम? 2013 में किया था, हो गया तो 10-11 साल। अब तो मतलब पुराना नाम भूल गए लोग, अब तो ऐसा हो गया राहुल नाम सुनने में मेरे को भी कई बार तो ऐसा लगता है अच्छा मेरा ही नाम है, अजीब लगता, अजीब सही लगता है। तो फाजिलपुरिया अब तो ऐसा हो गया, फाजिलपुरिया से ही पहचानो। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आप इस इंडस्ट्री में आए थे तो मतलब कैसे मोटिवेट हुआ, मतलब आपको कैसे लगा कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए, मुझे भी गाने गाना चाहिए? वैसे तो बचपन से था कि हमें इस इंडस्ट्री में जाना है, मेरे को इस इंडस्ट्री का तो पता ही नहीं था, बॉलीवुड पता था कि हमें एक्टर बनना है, बॉलीवुड में जाना है ना, उधर दिखना है, फेम चाहिए, नाम करना है। तो अपना कोई ऐसा बैक नहीं था कि भाई पीछे कोई फैमिली बैकग्राउंड हो या कोई ऐसा जान पहचान वाले, कोई ऐसी गाइडेंस वाला भी नहीं था कि हमें गाइड कर दे कि भाई आप ऐसे करो। तो स्कूल टाइम में एक ही था कि मेरी एक टीचर होती थी, उन्होंने डांस क्लास स्कूल में शुरू करी थी, तो वहां से हम डांस क्लासेस, फिर सिंगिंग क्लासेस, धीरे धीरे स्कूल टाइम से फिर ये मेरा ज्यादा अपना एक्टिविटीज के अंदर भी हमने इसको इन्वॉल्व कर लिया। तो वहां से उसके बाद स्कूलिंग की, कॉलेज की, मैं प्लेज वगैरह में बहुत पार्टिसिपेट करता था। तो उसके बाद बिजनेस किया, फैमिली वालों ने बिजनेस में घुसा दिया। फिर बिजनेस करने के बाद जब कुछ अपने पास आ गया ना पैसा वैसा, तो मगर अपने अंदर जो कीड़ा है उसको निकालते हैं। फिर 2012 में मैं इंडस्ट्री में घूमने लगा, मिलने लगा एक दूसरे से, फिर बादशाह भाई से मिला 2013 में, फिर वो चुल निकाली, अंदर का कीड़ा निकाला और ऐसी इंडस्ट्री में। तो भैया मैं बता देता हूँ, चुल गाना है मतलब ये नहीं था, एक अंदर की चुल थी और एक गाना था, और आज वो गाना मतलब हर किसी को याद है, हर किसी ने सुना है। तो भाई आज मैंने गाना सुना है 32 बोर, और आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है ये गाना। मेहनत बहुत की है। तो इसके पीछे का मतलब कितने दिन का स्ट्रगल था, कितने दिन की शूटिंग थी? और मैंने देखा कि इसमें एक प्लेन है जो आज तक मैंने नहीं देखा किसी भी गाने में, तो उस प्लेन का रहस्य क्या है, सच्चाई क्या है, वो कैसे आया, क्या वो असली का है या फिर क्या VFX? इसके अंदर भाई हमने जेल बनाई, मैंने एक मूवी देखी थी नार्कोस की, पाब्लो एस्कोबार, आप लोगों ने? जी जी जी। तो गाना था गैंगस्टर, और उसमें सारी गाने के अंदर गैंगस्टर बातें चल रही है, 32 बोर और सारी काफी चीजें जो होती। मैं सोचा था कि एक जेल बनाई जाए, जेल में ऐसा हो कि जो उसका गैंगस्टर है, जो उसका लीडर है, वो उसमें सारी चीजें अपने हिसाब से चलाता है, जेल उसी की है, वही जेलर है और वही उसका कैदी है। जैसे आपने उसमें दिखा रहा है जिम जुम मारते हुए अपना पूरा ठाट बाट दिखा रहा था पूरा। और तो हमने जेल, एक बोंडसी जेल है हमारे, हम उसको रेंट पे लेने के लिए बात भी करी, देखा तो उसमें ना वो फील नहीं आ रही थी कि यार वो एक मतलब जेल भी ऐसे लग रहा है कि इसका खुद का ही एम्पायर हो, तो वाली फील नहीं है। फिर मुझे हमारी एक बिल्डिंग पड़ी थी जिसके अंदर हमने शूट किया है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हमने उसमें बैठे थे, एक रील वैसे ही शूट करी, तो उसमें वो एक ऐसा सा लगा कि यहाँ पे हम सेटअप बना सकते, फील आने वाला, फील आ सकते। तो डायरेक्टर है अपने भाई, मैंने उसको बोला, वो आए, वो उसके अंदर जितना भी आपने सेटअप देखा होगा वो सर एज इट इज अभी भी बना हुआ है, वो अपने सारा सेटअप खुद बनाया है, उसके अंदर 10-15 दिन हमें लगे, सारा आर्ट वर्क उसके अंदर हमने खुद किया है, उसको पूरा एक ऐसा लगा है कि ये जेल, ये कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग ना लगे, जेल लगे। तो वो सारी हमने, सारी खुद की जगह के अंदर हमने वो क्रिएट करी है। तो एक बात और मैं बता देता हूँ, इस गाने में भाई ने फुल बॉडी वॉडी दिखाई अपनी, और ये बनाई भी है, इसके पीछे कितने दिन की मेहनत है? इसके हम बचपन से ही कर रहे हैं, लेकिन ये था कि इसके अंदर प्रॉपर दिखे मेहनत की भी, यहाँ मेहनत करी है, क्योंकि जेल के अंदर अगर कैदी है ना तो वो पूरा दिखना चाहिए भाई अंदर मेहनत मारते हैं, क्योंकि असली में भी जो कैदी होते हैं अंदर मेहनत मारते हैं, कि काम होता है खाना पीना और मेहनत करना, तो वो उसके अंदर दिखाया। आप उसमें हेलीकॉप्टर की पूछ रहे थे, उसमें जो स्लिंग से मैं नीचे आ रहा हूँ वो ओरिजिनल है, बाकी उसके ऊपर हमने वो VFX करा के हेलीकॉप्टर लगाया है। वाक्य में जो अगर हम बोल सकते हैं जो VFX है वो पूरे ओरिजिनल है। VFX में बड़ा काम किया है, 2-3 कंपनियां चेंज करी है, गाना शूट होने के बाद भी इसको 3 महीने तक लॉन्च होने में लगे, क्योंकि इसमें एडिटिंग, फिर CC के लिए कहीं पे गया, काफी काम इसके ऊपर हमने किया। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि इतने बिजी शेड्यूल के बाद अपना जिम आप कैसे मैनेज करते हैं? मेरे को ऐसा
सकते हैं कि जिम का शेड्यूल निकालने के बाद अपने काम कैसे मैनेज करूं? मेरे को 3 घंटे तो जिम में ही लग जाते हैं, 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का और 1 घंटा करने का। हम दिखेंगे ही नहीं अच्छे, कॉन्फिडेंट नहीं आता। उसके बाद कॉन्फिडेंट नहीं आएगा तो फिर आप क्या परफॉर्म करोगे, कैसे दिखोगे? फाजिल भाई, कभी ऐसा हुआ कि स्टेज पे आप परफॉर्म कर रहे हो और किसी ने कोई ऐसी हरकत कर दी और आपको लगता है कि अगर मैं सिंगर नहीं होता ना, नीचे उतर के तोड़ूं इसको? ये ऐसी सर होती रहती है, आपके साथ भी होती होगी। और कभी कभी तो ऐसा होता है, आर्टिस्ट का ऐसा होता है कि घर में कलेश है, घर में कोई ऐसा इंसिडेंट हो रखा है कि आप हंस भी नहीं सकते, आपको स्टेज पे मुस्कुराना भी पड़ता है, हंसना पड़ता है, गाने भी गाना पड़ता है, मेरा एक डांस भी करना पड़ता है। मेरा एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ, मेरी मदर एक्सपायर हुई थी और उनकी 13वीं भी नहीं हो पाई थी। उसके बीच में हमने एक शो आया हुआ था, हमने पहले 3-4 महीने पहले हमने शो बुक कर लिया था, तो हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की भाई कैंसिल करो, कैंसिल करना पड़ेगा ऐसे। तो उनका कुछ उसमें बाहर का था शो, तो उन्होंने कैंसिल नहीं किया था। कितना समझाने के बाद भी क्लाइंट को कि भैया घर के अंदर ये चीज़ हो रही है, तो कहते हैं सर आपके तो 2-3 घंटे लगने हैं, प्लीज़ एक बार आप आ जाओ। तो ऐसा भी होता है कि क्लाइंट सामने वाले नहीं समझते घर के अंदर ऐसे इंसिडेंट होता है, हमें जाना पड़ता है और वहाँ पे जाके हंसना भी है, डांस भी करना है, परफॉर्म जिस टाइम पे आप मतलब ढंग से बात नहीं कर सकते उस टाइम पे परफॉर्म भी करना पड़ता है, तो ऐसी चीजें होती रहती है। तो मैंने रिसेंट अभी एक वीडियो देखी थी आपकी कि आप डार्क कवर लेके आए हैं, मतलब सावन का महीना चल रहा है तो आप एक डार्क कवर लेके आए, उसके पीछे आपका क्या थॉट था? मतलब आपकी कोई ऐसी विश थी जो पूरी हुई है या फिर आपके मन से आपकी श्रद्धा हुई कि चलो भाई डार्क कवर लेके आते हैं? विश तो मेरी भोले जी ने बड़ी अच्छी पूरी कर दी। मैं पिछले 1-1.5 साल से बहुत ज्यादा पार्टी वगैरह और ड्रिंक वगैरह ज्यादा ही कर लेते थे, जिसमें हम चाहते थे कि ना करे, छोड़ दे इसको, तो छोड़ी जा नहीं रही थी। तो मैंने पहले भी बताया था कि महाकाल गए थे, तो महाकाल जाने के बाद मैंने वहाँ शिव जी से उनके शिवलिंग पाद लगा कहा कि मेरे ये इससे छुपा को वहाँ पे गए सर, रोंगटे खड़े हुए है, मतलब भगवान जीवन में है सर। मैं पहले बहुत मंदिरों में गया, मैं वृंदावन जाता रहता हूँ बचपन से जा रहा हूँ, हरिद्वार जाता रहता हूँ, वैष्णो देवी 2-3 बार जा चुका हूँ, लेकिन वो वाइब्स कभी, वो ऐसी एनर्जी कभी फील नहीं हुई जो वहाँ मिली, जो वहाँ पे मिली। अब आपने नाम लिया, हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। मैं वहाँ पे गया और जैसे अंदर गए ना, तो मतलब बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल एनर्जी थी और ऐसा हो गया कि भाई बस अब यहीं बैठ जाओ, यहाँ से निकलने के तुम्हारे कोई रास्ते हैं नहीं, रह लेते हैं और अपना घर जाने दिल नहीं किया। और मतलब हम जो जो सोच के गए थे ना, कुछ भी दिमाग में बिल्कुल ब्लैंक। और वहाँ पे जो पंडित जी थे वो कह रहे भाई अपनी पूजा कर लो, लास्ट में चलते चलते मगर शिव जी ये 2 जोड़े आदि ये ड्रिंक से पीछा छुड़वाओ। सर वो दिन और आज का दिन 1-1.5 महीना हो गया मेरे को, और काम पे फोकस ना, ड्रिंक की तरफ देख, मैं पार्टी में भी जाता हूँ लेकिन अब कोई मतलब नहीं कि रिंग करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखो अपना सच बताना बहुत मुश्किल काम होता है। फाजिल भाई ने बताया कि मैं ड्रिंक छोड़ चुका हूँ, तो कुछ लोग होते हैं भैया कि हम तो कभी करते नहीं, हम तो हाथ नहीं लगाते, तो सच बोलना सबसे बड़ा रहस्य होता है और भाई यही बात बोलना चाहते हैं। तो अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले मैंने देखा था एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी बहुत तगड़ी अपने हरियाणा में, और हरियाणवी कलाकार थी, उसने बोला कि भैया हम इतनी दिन रात मेहनत करते हैं, क्रेडिट सिंगर ले जाता है, ये ले जाता है, हमें कोई नहीं पूछता। पूरा समाज मतलब जितने सिंगर थे, जितने लोग थे, वो एक तरफ थे, और मुझे लगा कि आपने ही अकेले ने सपोर्ट किया और आपने बोला, तो वो क्या था? एक हरियाणा की बात करने के चलूं कि एक तुम लिमिटेड से आर्टिस्ट, बिल्कुल लिमिटेड से सिंगर है, लिमिटेड से राइटर है, लिमिटेड से हमारे पास मॉडल्स हैं, एक तो मैं आपस में फालतू की बातें करनी नहीं चाहिए, बिल्कुल। और रही क्रेडिट की बात, तो सबका बराबर है उसमें, तो मैं कहता हूँ जो कैमरामैन है, स्पॉट बॉय है, सबको मिलजुल के ही चीजें हैं, सबका नाम अब काना चल गया तो उसमें सबके नाम होने, यानी कि एक का हुआ। अब मैं चुलकी की बात करूँ, बॉलीवुड में जाने के बाद उसके अंदर 3-4 सिंगर उसमें एड ऑन हुए, ठीक है, रिक्रिएट करने के म्यूजिक प्रोड्यूसर भी एड ऑन हुए, ठीक है, एक्टर उसमें जो एज एन मॉडल के आलिया भट्ट जी आई, हमारा नहीं था उसमें फीचरिंग नहीं थी, वो उसमें हमारी चीजें भी तो बड़ी बनी, तो मिलजुल के चीजें बड़ी बनती, एक दूसरे के उसमें क्रेडिट पे नहीं होना चाहिए, वो तो सबके बराबर होते हैं। और हमारे छोटी सी इंडस्ट्री अभी तो साथ मिलकर ग्रो करने का टाइम है, ये फालतू की बातें ना करके हम इसको ना ज्यादा डिमोटिवेट करें आपस में, तो अच्छा है। तो अपने जो हरियाणा के तकरीबन सिंगर हैं, मतलब कई बार स्टेज शो होते हैं, कई बार शो होते हैं, तो तकरीबन सिंगर वहाँ पहुँच नहीं पाते और कुछ लोग जाते नहीं है, तो इसके पीछे कहानी क्या है? ये जो अवार्ड शोज वगैरह जो होते हैं, अवार्ड शोज में ये है कि सर अभी मेरे को जो मैंने भी पीछे भी अपना ऑब्जर्व किया था कि कोई अवार्ड शो जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वो ढंग से बुला नहीं पाते, जो उनको बुलाते हैं सिंगर्स को, वो उनके आपस में कोई कुछ ना कुछ होता होगा, वो आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, वो आएगा तो मैं चल रहा है। तो अभी हमारे बता ना कि इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रखा है कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी सी हो चुकी है, गाने चल तो रहे हैं सबके, मेरे भी चल रहे हैं, सबके चल रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे को देख के इनसिक्योर है, जो होना नहीं चाहिए। अरे भाई आपके गाने आपको खाने कमाने देंगे, आपको नाम देंगे, किसी के भी है उसको देंगे, लेकिन हम एक दूसरे को देख के पता नहीं एक इनसिक्योर क्यों है। अभी टाइम है कि मिलजुल के आगे बढ़ो। और रही शोज की बात, तो इसमें सबको जाना चाहिए, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजर अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोगों को दे रहा है,
सबसे बड़ी जो मेरे को पता है उसमें दिक्कत ये आती है, सबको चाहिए अवार्ड कि भाई अवार्ड दोगे तो हम आएंगे। सबसे मेन क्वेश्चन ही ये होता है कि भाई अवार्ड मिलता होगा तो आएंगे, सबसे आगे वाले रो में बैठ रहे हो जगह है तो आएंगे, और पूरी मतलब फैसिलिटी चाहिए हमें, पूरी फैसिलिटी चाहिए, मतलब सबसे आगे नाम चाहिए। अब मैं एक अभी लास्ट शो हुआ था, मैं उसमें नहीं गया क्योंकि ना तो मैंने भी कोई गाना करा 1.5-2 साल से ना कुछ, तो मगर वहां जाके करेंगे क्या पूरा डे फर्स्ट मेरी बात। मैं उससे पहले हेमा अवार्ड शो हुआ था, मैं उसमें गया था, उससे पहले हेमा हुआ था, मैं दो हुए उनमें दोनों में गए, तीसरे में इसलिए नहीं गया कि भाई ना तो मैंने भी गाने करे ना कुछ, कोई शर्म आशर्म मेरे को अवार्ड पकड़ाएगा तीसरे चौथे सिंगर को होगा दर्द कि भैया ये कुछ करा तो है नहीं, इसको अवार्ड दे दिया पिछले 2 साल से, दिख तो रहा नहीं कहीं तो रहा और यहाँ पे अवार्ड ले लिया। हाँ, तो मैं कहा इस कंट्रोवर्सी से, इस चीज से बच के भी थोड़ा जरूर। तो अवार्ड से नहीं, ये बात मुझे पूछनी है कि आपके जो अवार्ड वाला वार्डरोब है उसमें आपके पास टोटल कितने अवार्ड्स हैं? मेरे पास होंगे आराम से 50 का, लेकिन उसमें जो मेरे दिल के करीब है, तो रेडियो मिर्ची का जो चुलको मिला था, एक जो हरियाणा का अवार्ड शो था सबसे पहला, उसमें मेरे को मिला था वो, क्योंकि उसमें ना एक प्राउड फील हुई थी कि भाई हाँ हमने कुछ किया और किसी ने हमें उस चीज पे प्रेज किया, अप्रिशिएट, तो वो चीज मेरे को बड़ी करी। तो अभी कंट्रोवर्सी की बात चल रही है और इनका एक मिडनाइट ड्रामा के नाम से कंट्रोवर्सी इनकी हुई थी, तो उस पे चर्चा कर लेते हैं कि वो हुआ क्या था आखिर। वो हुआ ये था 2017 का किस्सा है कि पान खा के कौन सा नशा होता है। हाँ होता है भाई नशा, होता है साइबर। अब में एक है वो कुछ बनारस करके वो पान शॉप है जिसमें पान के ऊपर वोडका का फ्लेवर लगा के देते हैं, और 500 मीटर पे जब पुलिस का नाक होता है तो आपके वोडका की उसमें स्मेल आती है। मैं इसमें चाहूंगा कि आप एक बार ना यूट्यूब करना, उसमें लास्ट में वीडियो देखना, मेरा 4% भी आ गया था जब लास्ट में ब्लॉग, जब मैंने गार्गल करके किया तो लास्ट में 4% ही आ रहा था, तो वो आता है सर। अब उस दिन मेरी बहस करने का मेन मुद्दा ये था कि आज मैंने पी नहीं रखी, आज तुम पकड़ रहे हो, मैं डेली पीता हूँ, जब पकड़ते आदमी समझ में आता है ठीक है तो कसूर में। कई बार होता है ऐसे जो चीज आप नहीं करते ना, और उस दिन वो चीज होती है। और मैं अपनी टीम से कह रहा हूँ ब्लड सैंपल करवाते हैं चल के डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने फोन किया, ब्लड कह रहा लास्ट कभी थी, मक्कल पी थी यार, अभी तो 3 दिन तक वैसे ही आएगी तेरी बॉडी में, तो उस दिन नहीं पीते, ये डेफिनेटली है। तो लड़ने का उस दिन बहस करने का यही मुद्दा था। तो वैसे आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है अपार्ट फ्रॉम योर सॉन्ग्स, आपके सॉन्ग्स छोड़कर? मेरे वैसे मैं अपने ही बताऊं तो मेरा खुद का कोई फेवरेट नहीं है। तो आप सॉन्ग सुनते ही नहीं हो? मैं सॉन्ग बहुत सुनता हूं, मेरा सब जो सबसे फेवरेट मेरे को एक अभी आपने सुना होगा, आपने बहुत पहले सुना होगा, एक गोविंदा का गाना था मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी, तो आजकल वो चल रहा है कि मेरे मन में जो आ रहा है मैं वो कर रहा हूं। अच्छा कभी भी कभी ऐसा होता है कि मतलब आप स्टेज पे पहुंचे और आपने कुछ लोगों से हटके पहना है और लोग के पैर खा गए हो, होता ना हरियाणा के स्टेज शो में हम पहुंचे और आप लास्ट टाइम हम मिले थे वहां पे, एक यूनिक सी ड्रेस थी आपकी और तकरीबन लोग आपको देख रहे थे, तो कभी कभी पीछे सुनने का आ रहा है क्या था वो कॉस्ट्यूम का, इसका ऐसा था कि अभी काफी कुछ इधर उधर हमारी आपस के कलेश चल रहे, तो वो ब्लड प्रूफ जैकेट थी तो उसको थोड़ा सा डिजाइन कर लेते, डालनी तो है ही और अंदर से डाल अच्छी, तो वो तो मैंने वैसे ही डाल ली थी कि भाई डालनी तो है, मजबूरी भी है सेफ्टी के रीजन से, क्योंकि अब इसको थोड़ा स्टाइलिश करके और वैसे डाले तो अच्छी लग रही थी, तो मैं ऑलमोस्ट वही डालने लगा, गाने में मैंने डाली हुई है। बट मैंने एक बार बहुत पहले एक पूरा शॉल सा डाल लिया जो मेरे को भी लग रहा है तुमने जीप कर लिया, और पूरा ऊपर से नीचे तक सेम था, गाना था अपना लल्ला लोरी, उसमें देखना ग्रीन ग्रीन सा कुछ करके, तो वो डालने के बाद मेरे को बड़ा ट्रोल हुआ कि ये लड़कियों वाले तूने शॉल वगैरह डाल के वो पूरा ही नाइट सूट सा हो गया था, तो उसमें मेरे को थोड़ा सा फील होता है तो मैं गलत डाल। तो जैसे हर एक लाइन में हर किसी का गुरु होता है, जैसे हम दोनों का जो गुरु है वो है अरमान जी, तो आप भी अपना किसी को गुरु मानते हैं इस इंडस्ट्री में कि हाँ नहीं वो मेरे गुरु हैं? गुरु मैं उसको मानते हैं जिसने आपको सिखाया हो या किसी ने आपको अपना आइडल में कह सकता हूँ कि भाई मैं जेजी बी को अपना आइडल इसलिए मानता हूँ कि क्योंकि मैं बचपन से उसको सुन रहे हैं, उनको उनका काम करने का तरीका जो आज तक मैं भी अपने काम के अंदर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अच्छा वीडियो अच्छा हो रही, तो मैं जेजी बी जी को बचपन से सुन रहा हूँ, उनके काम में क्वालिटी है, क्वांटिटी कम है, साल में 1-2 गाने आते हैं उनके, लेकिन वो आते हैं तो क्लास आते हैं, आइडल मैं उनको मानता हूँ। बाकी मैं हमेशा इंटरव्यू में कहता हूँ कि भाई इंस्पायर्ड बाय हनी सिंह एंड सपोर्टेड बाय बादशाह। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि करा हुआ मत भूलो। हाँ बिल्कुल सर, जो आप देखो जिससे सीखते हो, चाहे आप मन में सीखते हो तब भी उसका आप नाम ले सकते हैं। गुरु मानना एक अलग बात है, गुरु आप उसको मानोगे जिसने अपना सब कुछ आपके ऊपर लगा दिया, जिसने खुद अपनी मेहनत आपके ऊपर करी है, मेहनत मैंने अपने ऊपर खुद करी है लेकिन सीखा नहीं इन लोगों से। तो अब थोड़ी सी गाने के ऊपर बात कर लेते हैं, जो 32 बोर गाना है 2 लाइनें हो जाए उसकी साथ में करें सर। इसमें एक मेरी सबसे फेवरेट लाइन है, छोर ले रे 32 बोर 36 सोर 36 चीज 36 मौत 36 रात 36 गोल 36 गाम 36 टोल 36 फार्म 36 मोल 36 दिशा में है पहुंच 36 झाजा में आवे नोट 36 स्विस बैंक में खाते रह माफिया डॉन की रीस करेगा फाजिलपुरिया की बावड़े छोड़ सारे खूनी से गाड़ी में लेकर अंड्रेलास कर वसूली रह। बहुत बढ़िया बहुत सर।
तो फैजल जी आप अपने गाने खुद लिखते हैं? कुछ गाने खुद लिखते हैं और कुछ हमने बाहर से लिखवाते भी। जैसे मेरा खर्च करोड़ गाना था, वो इतना ही टाइम मिला था कि गुड़गांव से चंडीगढ़ की फ्लाइट है, इतने में जाके गाना लिखना भी रिकॉर्ड करता है। तो रणदीप हुड्डा भाई के साथ हम गाना कर रहे थे, तो मेरा बर्थडे था, बर्थडे के दिन शूट किया था, तो उससे पहले 2 दिन पहले ही फोन आया कि ऐसे ऐसे गाना कर रहे हैं, ये गाना है और अभी करके भी फाइनल करना है। तो गुड़गांव में स्टूडियो होते नहीं थे, मैं चंडीगढ़ रिकॉर्ड करता था, तो वहां से फ्लाइट ली, फ्लाइट में बैठे बैठे लिख रहे उस गाने को। तो मेरा पहला गाना मैंने 20-25 मिनट में लिखा था, उसका रैप सबसे अच्छा एक्सपीरियंस भी हुआ था कि ना वो स्पाइस जेट की ऐसे ऐसे हिल रही है वो पूरी ऊपर जाके, और डरते डरते दिमाग उधर भी है यार इधर भी है, तो उसमें लिखने में बड़ा मजा आया था। और वो हिट भी हो गया? हिट भी हुआ, काफी अच्छा चला, बॉलीवुड में एक लारंग मूवी में आया था। आप बताइए सर, मैं आपके बारे में पूछना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल पूछो, आप भी पूछो। हरियाणा से मेरे को पता लगा, हमने पीछे बात कर दी। हरियाणा में कहाँ से हो आप? मैं हरियाणा हांसी से हूँ और बहुत गर्व होता है मुझे। एक्सक्लूसिव पता लग रहा होगा शायद आप लोगों को। तो मुझे बहुत गर्व होता है अपने गांव का नाम लेने में, हरियाणा से हांसी से। वैसे आपने आज से पहले कभी बताया अपने ब्लॉग वगैरह किसी? हाँ मैंने तकरीबन जब भी अभी जब मेरा अभी एबीपी में हुआ था इंटरव्यू, वहाँ भी मैंने बोला था कि मैं यहाँ से। तो हरियाणा से होने से मतलब एक अलग ही फीलिंग, एक अलग ही एटीट्यूड, एक अलग ही वजन आता है, बात में वजन होता है, सुनते भी है सामने वाला। एक बार तो जरूर सुनो इसकी, ना तो इलाज बांध देगा। नहीं देखो आजकल क्या ना, आप कहीं भी देख लो हरियाणा का डंका बहुत तेजी से बज रहा है और जोर से बज रहा है, और मैं कहता हूँ ऐसे बजता रहेगा, साथ मिलके काम करते हैं बजता रहेगा। तो फैजल भाई ये बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि गाड़ी से जा रहे हो और कहीं कैश नहीं आपके पास, सर आपने वो चीज ले ली या फिर खा ली, तो वहाँ कुछ हुआ कभी ऐसा? मेरा अभी लेटेस्ट हम कावड़ लेने गए हुए थे, तो हरिद्वार से रुड़की काफी ट्रैफिक था, तो कावड़ लेते रहे, पॉकेट में ना तो फोन ना कैश, वो आगे गाड़ी में, वो पीछे रह गई हमारी ट्रैफिक में। तो हम जा रहे हैं, तो जो हम 3-4 थे ग्रुप में जो आपस में भाग रहे थे, तो हमें पानी की प्यास लगती है, हम पानी लेने के लिए जाते, कहीं पे ना किसी पास कैश है, ना किसी पास फोन पे, ना गूगल पे, और बाउंसर पीछे, और बाउंसर ये तो सारे छोड़ दो, किसी के पास कुछ नहीं, सारे नंगड़, और जिससे पानी मांग रहे हैं ना वो पानी देने को कुछ नहीं, अपनी टीम का बंदा वो दूसरी गाड़ी में, अरे मगर पानी पकड़ा दो, कह रहे नहीं आगे लेंगे, कैश उनके पास भी नहीं है पिछली गाड़ी में। तो ऐसा होता रहता है, टोल पे बहुत बार होता है, टोल के ऊपर कई बार तो अड़ जाएंगे, वो पीटीएम नहीं लेंगे, उनको भी कैश चाहिए। एक मेरे साथ होता जयपुर में, हम अपने गए थे एक कौन सा फॉल्ट है वहाँ पे, नाहरगढ़, तो वहाँ पे पार्किंग में गाड़ी लग जाती है, 500 मीटर ट्रैफिक होती है, तो हम चले गए वहाँ पे, तो वहाँ पे जो टिकट काउंटर हो तो कैश ही लेते हैं, और फिर पेटीएम पे फंस गए। तो वहाँ से बाहर आया वो जो बाहर ये अपना मूंगफली वगैरह बेचते रहते रेडी वाले, मेरे को पता ही एक्सपीरियंस मेरा रहा है कि वो भी जल्दी से कोई कैश देता नहीं है, पेटीएम से दो। तो मैंने पहले उसको कहा कितने के करा सर, ये 75-50 रुपए, मैंने उसको पहले 200 रुपए कर दिए, मगर गलती से 200 के 150 वापस दे। तो ये होता भैया स्मार्ट वर्क, ये एक पेटीएम ने आदत खराब कर दी, पेटीएम के फायदे बहुत है लेकिन कैश ना रखने की आदत भी ऐसे आई है। मतलब इन एप्स ने ना कैशलेस कर दिया है दुनिया को ना, कोई कैश लेके चलता ही नहीं, हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा है, इनके साथ मेरे साथ पाली साथ, जो टॉल वाला बता रहे ना उस टाइम हमारे साथ भी यही हुआ है कि वहाँ पे पैसे मांगे और वहाँ पे पैसे नहीं, पीछे वाली गाड़ी उसमें भी किसी को पैसे नहीं। तो फैजल भाई कभी ऐसा हुआ है कि आपको धमकी आई और आपकी इनसिक्योरिटी लगी, रोड पे गए और किसी ने बोला सेल्फी खींचो और आपने लगा यार कुछ गलत है यहाँ पे, या मैं नहीं उतरूंगा? सर ऐसा होता रहता है लेकिन अब आप पता क्या, एक दिन आप थोड़ा सा सिक्योर कर लोगे अपने आप को, 2 दिन कर लो, 3रे दिन फिर नॉर्मल हो जाते हैं। मतलब कोई इंसिडेंट याद है आपको कि यार एक बार ऐसा हुआ था? अभी सर लेटेस्ट हुआ था मेरा रेवाड़ी में, अभी हम 32 बरों की प्रमोशन पे गए हुए थे, लेटेस्ट मेरा चल रहा था कुछ ना कुछ, तो स्ट्रिक्टली मेरे को बोला भी गया था प्रशासन भाई अपना थोड़ा ध्यान रखना है कि ज्यादा भीड़ में जाना नहीं है, हमारा काम ही भीड़ का है, और गाना करता हूँ आप पे गए हुए थे, 4-5 जगह हमारे ऐसे इंसिडेंट हुए उसी रोड पे कि बार बार गाड़ियां लगाई जा रही थी, बाइक्स लगाई जा रही थी रोकने के लिए, अब ये समझ में फैन है ये क्या है, बिल्कुल वो कवर्ड थे हेलमेट से, कोई अपने उनके नंबर नहीं बाइक पे, तो ये हमारे लिए आपके लिए भी बड़ा होता होगा कि बड़ी डिफिकल्टीज है कि उनको रोके ना रोके, उनके पास नहीं रोकते तो कहते इनमें बड़ा एटीट्यूड है अकड़ में है, तो मैं सेफ्टी भी देखनी पड़ती है भाई। तो जब आप ये 32 बोर गाना करने वाले थे तो इसमें जो फीचरिंग मैंने देखी है इसमें एल्विश यादव भी है इसमें जी, तो एल्विश को इस गाने में लेने का क्या मोटिव था आपका? मेरा इसमें मैं एल्विश और अवार्ड की बातचीत, हिमा अवार्ड नहीं हुआ था फर्स्ट टाइम, तो वहां से निकल के आए थे, हमारे पार्टी कर रहे थे हम सारे, तो मैं हो गया, डीजी मोटल था, मिलिंद गाबा भाई थे, हम सारे भाई थे, एल्विश भाई भी थे, तो बात चली भाई गाना करते हैं साथ में, कुछ ना कुछ करते हैं, चलो कुछ अच्छी चीज बनाते हैं, तो वही डीजी मोटल से बात है, उसने कभी चल मैं गाना लिखता हूँ, वहीं से वो चीज शुरू हुई थी, हमने गाना बनाया, फिर हमने एल्विश भाई को बताया, फिर एक यतिंदर जी भी है उसके अंदर, बॉडी बिल्डर है बहुत ही अच्छे अपने के बेस्ट, और वो एशिया के अपने मेडल्स वगैरह का, मेरी ट्रेनिंग भी उनके छोटे भाई के पास चलती है, मतलब ये लगा लो मैं उनको देखता हूँ, और सबसे बड़ी बात क्या है मैं उनको 1 घंटा सुन सकता हूँ यूट्यूब पे, और बहुत कम लोग होते हैं जिनको आप सुन पाओ, उनको आप सुन सकते हो और बहुत तरीके से टेक्निक से समझाते हैं सर, उनको कभी मिसगाइड नहीं करते अपने, ये नहीं कि भाई अपने व्लॉग के लिए अपने चैनल के लिए कुछ भी, वो अपने
क्लाइंट्स का, और उनका जो बोलने का अंदाज है ना वो आपके कानों में ना घर बना लेते हैं, तो वो भी थे उसमें, तुमने सबने मिलके वैसे ही इसमें किया था। और आपका जो रीसेंट सॉन्ग है ना, इसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट देखा क्लोथिंग का, ये बनियान वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये बहुत ही, हाँ ये बहुत ही डिफरेंट रहा, तो ये कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से मिला, किसने सोचा ये कॉन्सेप्ट के बारे में? बजट कम था नहीं बजट ज्यादा था, पैंट शर्ट पहन रखे थे, जेल का हमने जेल का कॉस्ट्यूम सोचा था। तो आप कभी भी आप किसी डायरेक्टर या किसी से बात करोगे जेल का, तो ऑरेंज आपको रिकमेंड करेंगे, भाई वो ऑरेंज डाल नहीं है, भाई हमारी जेल है तो हमारे कॉस्ट्यूम होना चाहिए। तो उसमें हमारे सबकी ग्रे कलर की पैंट है और सेंडो है, भाई सारे तो बॉडी बिल्डर है, सारे मेहनत कर रहे हैं, तो सारे सेंडो डालो। इसके लिए कुछ डाइट पे भी जाना पड़ा, शूट के दौरान वर्कआउट भी चल रहा था? सर शूट के दौरान बताता हूँ, मैं पिछले एक शूट से एक महीने पहले प्रॉपर डाइट पे सब पे चल रहा था ना, और जैसे शूट पास आते गया, खुद ही हम प्रोडक्शन कर रहे थे, पहले ही सॉन्ग मैंने प्रोडक्शन किया, खुद ही आर्टवर्क सारा, डाइट भी छूट गई थी, जिम भी छूट गई थी, बाय लग जब तो डाइट छूटी, मैं अपना कार्ब पे आ गया तो ऑटोमेटिक थोड़ी सी बॉडी पंप होगी, तो वो छूटने से मतलब डाइट पहले कर ली, जब टाइम आया जब नहीं कर पाए, पर उसका रिजल्ट भी अच्छा है, रिजल्ट अच्छा, पूरा मैंने बैक का शॉट देखा था, उसमें पूरा पंप हो रखा था वो। फिर मैंने कुछ मौके पे भी थोड़े से पुशअप्स वगैरह कर लिए थे, हमारे गुरुजी साथ थे। तो भैया गाना जाके देख लो, बहुत डिफिकल्ट होता है। आपका 3 मिनट के गाने के लिए फैजल भाई ने पूरे 4 दिन दिए हैं, और 4 दिन से पहले 25 दिन की मेहनत, और उसके बाद 3 महीने की एडिटिंग है, तो आप एक बार जाके सुन लेना, बायो में लिंक है, और जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मैंने रिसेंटली देख रही थी आपकी चीजें, तो मैंने देखा कि आपके पास बहुत सारी बाइक्स और कार्स है, तो आपको बहुत पसंद है, तो आपको कौन कौन सी बाइक्स एंड कार्स है? पसंद है, बाकी कलेक्शन बहुत छोटी सी है मेरी, बाइक तो है बुश है, और मेरी मोस्ट फेवरेट गाड़ी रही है जो शुरू में मैंने इंडस्ट्री के में आने से पहले ली थी, हमर, वो मेरी फेवरेट है, क्योंकि मेरा बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी पलट गई थी, तो मैं उसी के अंदर था, खरोच तक नहीं थी, तो इसलिए वो आज तक रखी हुई है। उसके बाद बीच में कभी BMW मर्सिडीज में चेंज कर दिया। एक्सीडेंट कैसे हुआ, कब हुआ? वो एक्सीडेंट हुआ ऐसे तक, वो हुआ था 2012 में, बहुत तेज भी नहीं थी गाड़ी, रात को 12 बजे की बात है, तो उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, क्योंकि बाहर की गाड़ी आई, तो हमने प्रॉपर इसका स्टीयरिंग इधर से इधर होता है, कन्वर्ट होता है, तो इधर से हमने जब इधर कराया तो शायद उसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल अंदर रह गया था, उसमें होते ना अपना जंपिंग रॉड कुछ, वो कुछ लूज थी, तो वो ही ऑटोमेटिक उसमें खुल गई थी, उसकी खुलते ही सर वो टायर उसका स्पीड चल रही, स्पीड में थी। तो फैजल भाई ये बताओ मुझे, अगर बॉलीवुड में किसी हीरोइन के साथ गाना करना तो कौन सी हीरोइन फेवरेट है? सर मेरी जो फेवरेट थी उनके साथ, मैं कर सकूँ आलिया भट्ट के साथ, और उन पर एक लाइन भी लिखी थी मैंने, जब मैं इंडस्ट्री में आया था, जब से मन था कि भाई इनके साथ गाना करना, तो हमने बहुत उनको अप्रोच भी किया था कि भाई पहला गाना ही उनके साथ शूट करें, वीडियो शूटिंग नहीं, बाय लक ऐसा हो गया वो जो पहला गाना था वो इनकी मूवी में फीचर हो गया, चुल गाना, तो सबने सुना ही होगा, नहीं सुना जाके सुन लेना। फैजल भाई ये बताओ, आपका जो कलेक्शन है कपड़ों का, मैं देखता हूँ बहुत यूनिक रहता है, और एक हरियाणा के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करता है यार, मैं स्टाइलिश भी और मैं हरियाणा से भी। आपका कलेक्शन मैं देख के आया हूँ, ठीक है, आपसे तो कम ही है। नहीं देखो मैं सच बता रहा हूँ, मैं फैजल भाई को बहुत फॉलो करता हूँ कपड़ों के मामले में, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। देखो ये तब से है मुझे, मैं कहता हूँ अगर मुझे 2-3 साल हुए, 4 साल हुए वहाँ थे, मैं तब से सुन रहा हूँ जब हमें कोई नहीं जानता, और ये बिल्कुल सत्य बात है, हम बहुत बड़े फैन है, शुरू से सुनते आ रहे हैं, और आज मेरी किस्मत है कि मैं आपके साथ बैठ के इंटरव्यू कर रहा हूँ। ये आपका बड़ा बड़प्पन है कि आज के टाइम में आप लोग बैठ के एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, नहीं तो आज के टाइम में कोई बोलना भी पसंद नहीं करता कि मैं आपका फैन हूँ या मैं आपको फॉलो। देखो हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं फैजल भाई आपको, और ये ऊपर वाले का कर्म है कि हम आपके पास साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में कुछ नया भी करेंगे, नया करेंगे, अच्छा करेंगे। और भाई से बहुत सारी चीजें सीखता हूँ मैं, कितनी देर कहाँ रहना है, कितनी देर बातें करनी है, और ये बहुत जरूरी भी है। और एक स्टार लाइफ जो होती है उसमें कितना स्ट्रगल होता है, लोगों को लगता है ये बहुत बड़ा स्टार बन गया, स्टार बनने के बाद ही स्ट्रगल लगता है मेरे को, तो पहले तो ये कि आप खुले घूम रहे हो, खुले जा रहे हो, क्या कर रहे हो किसी को फर्क नहीं, स्टार बनने के बाद फिर आपको सारी चीजें नोटिस करनी पड़ती है, क्योंकि आपको देखने वाले ना इतने फॉलोअर्स होंगे, वो आपको नोटिस कर रहे हैं क्या कर रहे हैं अपनी वो पर्सनल लाइफ में, झांकने की उनकी बड़ी छोटी बातें बड़ी बन जाती है। फिर तो आपको मतलब अभी मेरे गाने का ही है, मेरा बहुत मन करता है कुछ क्रिएटिव सब ऐसा करते हैं, तो उसमें लगता है अगर तूने कुछ छोटा कर दिया तो तेरे को गालियां बकेंगी, पहले तो इतना बड़ा कर, आप ऐसे छोटा छोटा कर। स्टार बनने के बाद असली स्ट्रगल शुरू होता है, फिर सोचना पड़ता है चीजों को, सोचना पड़ता है जाने से पहले। कोई पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ जो हमारी ऑडियंस को आप देना चाहते हो, कि जिंदगी में क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, और जब कुछ कर लेता है आदमी में तो एक एटीट्यूड आ जाता है, उसको हम कैसे संभाल के रखें, कब वो काम आएगा? सर ये बड़ी अच्छी बात आपने की, और ये आपसे भी देखने को मिलती है, काम शुरू करने से पहले आप क्या हो पहले तो वो याद कर लो, और जब आप कुछ बन जाओ फिर उस दिन को याद करो जिस दिन आप शुरू किया था उस दिन को करो, तो वापस एक बार आप उसी दिन से शुरू करोगे ना तो आपके पास लोग भी ज्यादा आएंगे और लोग भी जुड़ेंगे, और अगर आप यहाँ पे जाके ना बहुत आवाम है, क्योंकि ये ना एक ऐसी इंडस्ट्री की यहाँ जाते तो ऐसे आते हैं, जब आप वापस नीचे आओगे ना एक भी लोग नहीं मिलेगा, अगर आप हवा खा गया, आपके अंदर कोई चेंज आ गया, आपका बिहेवियर चेंज हो गया, आपने जो लोग थे उनसे बात करना बंद कर दिया, उनके फोन उठाने बंद कर दिए, जब आप नीचे आओगे तो आपके भी कोई फोन उठाएगा।
जिस टाइम पे आप एक अच्छे लेवल पे हो पहुंच गए, तो अपने आसपास के छोटे से लोग, छोटी सी दुनिया है, सबके जिंदगी में 10-20 लोग होते हैं, हम उनको भी अगर खुश ना कर पाए तो फिर कोई जिंदगी नहीं है, कोई कुछ पैसा वैसा तो आता जाता रहता है। लोग जुड़े रहेंगे ना तो लोग जुड़ो। बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि आपको सेम रहना पड़ेगा, अगर आप सेम नहीं रहते तो कुदरत भी चेंज हो जाएगी। एक्टिंग मत करो, नेचुरल रहो लाइफ में, क्योंकि आप एक्टिंग कैमरा के आगे कर लेते हैं, ठीक है वो इनफ है, अपनी जो रियल लाइफ है ना उसमें नेचुरल रहो, जैसे आप हो वैसे हो। तो पायल आज बहुत चुप है, नहीं तो पायल इतने सवाल पूछ लेती है सामने वाला थक जाता है। नहीं, मेरा एक सवाल आने ही वाला था, आपने बीच में मुझे छेड़ दिया, तो मैं पूछ ही लेती हूँ। जैसे कि मुझे दिख रहे दो टैटू आपके, एक यहाँ पे और यहाँ पे, तो इन टैटू में एक तो नाम किसका और ये किसके लिए करवाया? अभी तो आप इनको ये समझो कि ये शिवजी की है, ये राज है, इसको भी राज दे। तो शायद ये राज नहीं खोलना चाहते हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं दबा देती हूँ। अदल भाई, हरियाणा में अगर किसी मॉडल के साथ काम करना चाहोगे तो कौन होगी? हरियाणा के अंदर अगर एक मॉडल लेना चाहोगे आप गाने में? मैंने अभी एक सिंगर तो लिए है अपने गाने में, मेरा और जानी भाई का गाना है, तो हम काफी दिन से सोच रहे थे कि भाई बड़ा गाना अच्छा गाना करेंगे, तो कोई अपना हरियाणवी सिंगर लेते हैं, हरियाणवी इंडस्ट्री ग्रो करे तो कहीं ना कहीं, तो उसमें मनीषा शर्मा जी है। मनीषा बहुत अच्छी सिंगर है और वो बड़ी डाउन टू अर्थ है, तो मेरे को उनका बिहेवियर बड़ा अच्छा लगा, तो वो मेरे गाने में है अभी। एज एन मॉडल मैंने भी सोचा नहीं है, सोचेंगे तो जरूर लेंगे। तो आप बहुत सारी कंट्रीज आपने विजिट करी होंगी, तो आपकी फेवरेट कंट्री कौन सी है, वहाँ का कोई अच्छा सा मोमेंट जो आपको लाइफ टाइम याद हो कि हाँ मैं उधर गया था? मेरा विजिट तो काफी करी, लेकिन एक्सपीरियंस दुबई की है मेरे। दुबई में बड़े चलान कटवाए हमने। मैं बताता हूँ, मैंने दुबई में फर्स्ट टाइम गया 2007 में, तो वहाँ पे जब सबसे जाते हुए जाते शेख वाले कपड़े डालने हैं, तो मैंने जाके शेख वाले कपड़े, वो हम वहाँ पे सफारी करने गए थे, वहाँ पे डाले, तो वहाँ फोटो वगैरह अच्छी नहीं आई उस टाइम पे, फोन भी आपके ऐसे होते थे, तो मैं यार ये ड्रेस तो लेके चलते हैं, तो वहाँ गया मैं दुबई में जाने के बाद, मैंने ड्रेस वेस खरीद ली, तो जहाँ से मैंने ली उन्होंने कहा कि आप डाल के जा सकते हो, और जब मैं दुबई गया तो मैंने प्रॉपर वो कट वगैरह वैसे लगवा रखे थे, ठीक वाले कमी ना रह जाए कुछ, तो मैंने वो ड्रेस ली डाली और पूरे दर्शन में चल रहा ना, अब मैं जहाँ से निकलो सलाह वाले एक बार समझ में आया कोई वैसे कर रहा हूँ, हाँ भाई सब ठीक, आगे जाके सलाह, दो तीन जगह हो गए मगर तेरी शक्ल मिल रही है किसी चेक से, तो देखे जाते मैं एक रेस्टोरेंट में गया, तो जैसे ही गया उन्होंने जाके आई आई सलाम वालेकुम, हाँ जी भाई साहब सच में कई शक्ल, अब उस रेस्टोरेंट वाले को समझ में आ गया कि ये वैसे ही इसने डाली हुई है, फेंक गई कोई, उन्होंने खाना वाना खा ली, खाना खा के निकले, जैसे ही मेरा होटल आने वाला था उससे पहले ही आती है पुलिस की गाड़ी और मेरे को बैठा लिया, भाई हाँ यूर फ्रॉम वेयर, आई फ्रॉम इंडिया, मैम मेरा कुछ था ही नहीं, मैं तो वैसी ड्रेस डाली हुई थी, वो कह रहा भाई वेयर दिस बिकॉज आई लाइक इट, इंग्लिश भी इतनी आती, आतंक था, वेयर इज अ पासपोर्ट, मुझे भाई होटल में ही है सर, अब मेरे जब पासपोर्ट मांगे ना, जब मेरे समझ मेरे तो किसी ने बताया पासपोर्ट किसी को नहीं दे रहा, क्योंकि पहले ना दुबई में जाके पासपोर्ट ले लेते, जैसे उसने पासपोर्ट का, मुझे बेटा अब तेरा इलाज हो गया, उसने बैठाया, अब वो ले गए पुलिस स्टेशन जैसे यहाँ के अपने मॉल, और जो मूवी में देखते ना कि वो उसमें ले जाके बैठा देते हैं और फिर वो एक एक करके क्वेश्चंस करने आते हैं, अब वो वाला सीन मेरे साथ, जब तक मेरे है ना इसमें पसीने आ गए, मेरे को अपने आगे की जेल दिखी दुबई की, घर वाले याद आ गए, आज हो गया काम पक्का, तूने करा क्या, अब मैं सोच रहा हूँ तूने करा क्या है, ये तो पता नहीं ड्रेस का भी कुछ होता, अब करा क्या सही सा डेजर्ट सफारी में ना होता है कि दुबई में किसी लड़की को देख लो या छेड़ दो तो कुछ होता है, अब मैं दिमाग लगा रहा हूँ किसी लड़की को तो नहीं छेड़ा, किसी को देखा तो नहीं, कुछ नहीं करा, कुछ दिमाग में ना है, तो आए कह रहे भाई तूने ये ड्रेस क्यों डाली हुई तुमने, भाई ये नॉर्मल है, मैं तो ऐसी लेके डाल ली, अच्छी लगी मेरे को, कह रहे यहाँ पे अलाउड नहीं है ये, तो पहली बार कह रहे तुम्हें ऊपर ये ब्लैक कलर का ऊपर जो डलता है ना वो नहीं डाल सकते आप, अब अलाउड हो गया, पहले नहीं था, तो कह रहा क्राइम था पहले, कह रहे अगर ये किसी शेख ने साउथ दी के यहाँ पे शेख आते हैं, कह रहे अगर किसी ने आपको पकड़ लिया होता है देख लिया होता तो इलाज पक्का था, तो मतलब आप लोगों ने ठीक पकड़ लिया, इसका मतलब मेरे को बच गया मैं, और जब तो आवाज नहीं लग रही, मन ही मन में बात कर रहा मैं, मक्सर में बताओ जाऊंगा कैसे, छूटेंगे कैसे, कह रहे अभी आप बैठो आपका फाइन लगेगा, कह रहा आपको जहाँ से आपने ली उन्होंने नहीं बताया वहाँ पे मेरे बच गया मैं, उन्होंने तो कहा था कि डाल लो, कह रहा नहीं वो कह नहीं सकते, मगर उन्होंने कहा वो केरला के थे जिन्होंने बोला, वो शायद नॉर्थ वालों को मेरे ख्याल से पसंद नहीं करते क्या था, कह रहा आर यू श्योर, हाँ बाबा श्योर, उसने गई थी मेरे को, छोड़ दे उसको, मेरा जो बैग था ना जिसमें मेरे खुद के कपड़े थे, मगर उसमें ये दुकान थी भाई वहां चल दे फलानी जगह, तो उन्होंने कहा हम कन्फर्म करा लेंगे, उन्होंने कन्फर्म भी कराया था, मेरे को तो ठोका था उन्होंने 70,000 का चलान, अगले का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था, एक घंटे बाद देख रहे वो मेरे सामने बैठी, दुबई के अंदर क्या है कि हमारे यहाँ पे अभी ऑडियो कैमराज है वहाँ पे पहले से, तो उसमें से ऑडियो और उसमें सारा दिख रहा था कि भाई इन्होंने इसको बोला है कि भाई तू डाल सकता है, तो फिर भी मेरे 70,000 का चलान करा और सुबह से शाम तक बैठा के रखा, और भाई साहब 70,000 ले गए थे सारे उन्होंने रख लिए, और मेरे उसके 3 दिन का ट्रिप और बच रहा था उस टाइम पे, ना तो कोई ट्रांसफर ही आपका ऑनलाइन होता था ना कुछ, कैश पे डिपेंड होते थे, बाबा किसी तरह फ्लाइट तक पहुंचवा दो आज घर चला जाऊंगा, एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा, और
फिर तो एक्सपीरियंस मजेदार रहे सारे, फिर तो सारे सीख सा के गए। और उसके बाद में अपने दोस्तों के मजे लेने के लिए उनको डलवा देता था कि इनके मजे लो, जब तक वो इनका क्राइम हट गया था ये कोई भी डाल सकता था वो गया नॉर्मल। मैंने बड़े अपने दोस्तों के मजे लिए। जैसे क्या है ना, आजकल हमारे जो पंजाब के सिंगर तकरीबन बाहर शिफ्ट है, तो आपने भी सोचा कि बाहर शिफ्ट होगा कभी? अब भी मैं जो रहता हूँ गांव में रहता हूँ, बचपन से जुड़े हुए लोग हैं, बचपन से जुड़े हुए दोस्त हैं। हाँ मतलब वो जो हमें राम राम करने होते हैं सुबह उठ के, बाहर कहाँ कर लेंगे? अब हम जो काम कर रहे हैं उस लाइफ के अंदर हम गांव में घर में मुश्किल से 10 दिन दे पाते हैं, ऑलमोस्ट बाहर ही रहते हैं। तो 10 दिन अपने लोगों में, अपने ताऊ चाचा ताई में, पुराने दोस्तों में, उनका मजा ही कुछ अलग, मजा अलग बात करने को मिले, वो जिस तरीके से मिलते हैं प्रेज करते हैं उसका स्वाद अलग। तो रिसेंटली ना बादशाह जी के साथ एक छोटी सी मिसहैपनिंग हो गई है, अभी जो स्टेज से स्लिप हो गई, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि स्टेज से गिर गए हो या कुछ ऐसा कि स्टेज का कोई बुरी चीज हो जो आपको याद हो कि हाँ वो मेरे लाइफ का ना सबसे बुरा दिन था स्टेज पे? नहीं बुरा दिन तो नहीं, लेकिन हाँ गिरा मैं भी हुआ हूँ। मैं नए शूज लिए थे और नीचे से स्लिपरी थे, मतलब तरह के उसके लिए और डाल लिए, और जहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे थे वो स्टेज था छोटा, और वो शायद पानी गिरा हुआ था कुछ था उधर, पहले ध्यान नहीं। मैं पूरे फ्लो में जाके जैसे चुल गाने पे मैं एक जंप कर दिया, जैसे ही जंप गया भट्टा आग नीचे, जितने कैमरा चालू होते ना मैं सबसे पहले तो कैमरा वालों को पकड़ लो, आज तक वो वीडियो बाहर नहीं आई है, तो मौके पे 6-7 चालू से सारे कैमरे ले लिए। अच्छा इसीलिए आपका वो राज जो खुला नहीं लोगों के सामने, आज खुला ये राज, वो वीडियो मिलनी नहीं है क्योंकि हमने पहले ही सारे कैमरे ले लिए थे। मेरा ध्यान इस चीज पे बड़ा रहता है, मेरी एक वीडियो गलत डल रखी है इस पे यूट्यूब पे, तो दारू वाली, और एक स्टेज पे किसी को थप्पड़ मारा था। तो मतलब फाजिल भाई को गुस्सा भी आ जाता है, भाई थोड़ा बच के रहा करो। परफॉर्म करते तो आपको जो साउंड होता है वो अच्छा चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो बीच में इवेंट मैनेजर्स होते हैं, क्या करते हैं हम पिछले वाले को हल्का कर देते हैं, हम जो ट्रैक राइटर देते हैं उसमें से अपना बजट निकालने के चक्कर में चीजें हल्की कर देते हैं। आप गाना गा रहे हो माइक में आवाज नहीं आ रही है, इको कर रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हो ये गलत है, वो आपको आगे बहस कर रहे हैं, नहीं सर हमने तो बढ़िया था, अरे बाबा मेरे आगे। तो जब वो एक गुस्से में, कॉलेज का शो था, पब्लिक एक्साइटेड, ऊपर से नीचे तक लोग भरे हुए हैं और हमारी आवाज नहीं जा रही, और वो उस चीज में बहस रहा है नहीं मैंने तो बढ़िया दे रखे, तो वहाँ पे फिर भाई ने शर्म लगा दिया, फिर एक उसको दर्द दिया था, वो फिर वीडियो एक छोटी सी क्लिप आ गई थी। अच्छा फैजल भाई ये बताओ मुझे, अभी जैसे आप क्या कर रहे हो ना, बड़े बड़े गानों के साथ कोरियोग्राफी, डिजाइनिंग, मॉडल, डांस का कीड़ा कैसे आया? ये मेरे को भी स्कूल टाइम में पता लग गया था कि मैं डांस अच्छा करता हूँ। जैसे शादी होती थी तो पहले के टाइम में डीजे बहुत कम जगह लगते, किसी का अच्छा बजट होता था शादी में डीजे वगैरह लग जाते थे, तो मेरे एक कजन की शादी थी उसमें जहाँ लग जाए अपना जाके डांस करना, तो वो वीडियोज एल्बम बनती, पहले फोन नहीं होते थे, तो अपने आप को कितना ही डांस करते हो देख लो, आप घर वाले कहते हैं आप बढ़िया करता है, बच्चे को सभी देते थे। तो जब वो वीडियो एल्बम चल रही थी ना उसमें मैंने अपने आप को देखा है, तो डांस तो बड़ा अच्छा करता है। या है मतलब फ्यूचर अब मॉडलिंग में जाना पड़ेगा। उसी टाइम पे हमारे स्कूल में एक इवेंट, वो अपना एक डांस की कोई ऑर्गेनाइजेशन आई थी कि भाई दियादीप इंटरग्रेट के, भाई वो डांस के ऑडिशंस लेते थे, वो सेलेक्ट करते थे बच्चों को और कहते थे हम तुम्हें डांस क्लासेस देंगे, उसके बाद तुम्हें बॉम्बे किसी मूवीज वगैरह में फीचर करेंगे। तो एक ऐसे ही आई थी, मैंने ऑडिशन दिया, तो थी तो फ्रॉड, उन्होंने किया था कि अपने बनाया था प्लान की डांस क्लासेस देनी है इतने अमाउंट में, करना कुछ मैंने वहाँ पे डांस क्लासेस शुरू हो गई, उसके बाद फिर वो डांस वगैरह अच्छा फ्लो आ गया। बुरे भाई जब भी स्टेज परफॉर्म करते हैं, कहीं भी करते हैं, मैंने तो खुद देखा अपने सामने, तो डांस पार्ट रहता ही रहता है, और वो अपने आप को यूनिक साबित करते हैं, भैया हाँ भाई मैं कुछ हरियाणा के लिए कुछ नया लेके आ रहा हूँ। तो एक सवाल मेरा है आपके आपके लिए कि जैसे हर किसी का एक ना बहुत कट्टर फैन होता है, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा फैन आया आपके सामने कि नहीं भाई ये मेरा कट्टर फैन है? मेरे कुछ कट्टर फैन के तो फोन में नंबर सेव रहते हैं हमेशा, है ना, वो अभी है। और मेरा एक कट्टर फैन मेरे को मिला था उड़ीसा में, उसका मेरे को अंदाज बड़ा अलग और अच्छा लगा मिलने का, हमने भी सीखा अगर किसी हिसाब से मिलना हो तो ये बेस्ट तरीका है। तो उड़ीसा में वो मिल नहीं पाया, उसने कहीं से पता कर लिया कि इनकी फ्लाइट कौन सी है, तो सेम फ्लाइट में उस्ताद बैठे पीछे है ना, थोड़ी देर में आता है फ्लाइट में, तो आप नॉर्मल ले लेते हो आराम से। हाँ जी सर बताइए, कैसे मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, अच्छी बात, कैसे मैं आपके लिए फ्लाइट लेके आया हूँ, मुझे मत समझा नहीं, कह रहे सर वहाँ नहीं मिल पाया और मेरे को मिलने का मिला, मेरे को पता लगा आप फ्लाइट में हो तो मैं आपसे मिला, मैं दिल्ली नहीं जा रहा, कह रहे सर मैं वापस फ्लाइट लेके वापस आ रहा हूँ सिर्फ मिलने के लिए। तो उसका तरीका और मिलने का बड़ा अच्छा लगा मेरे को, ऐसे फैंस भी होते हैं और ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा फीलिंग आती है, लगता है कि भैया हमने कुछ करा है, लोग हमें पसंद करते हैं। 32 बोर गाना दादा, इसमें मुझे मॉडल नहीं दिखी, एक एंकर दिखी थी फॉरेनर, ये क्या था? सर अब जेल के अंदर हमने उसमें एक पार्ट रखा है कि भैया फाजिलपुरिया जेल में पार्टीज भी होती है, तो उस पार्टी के में आती है 6-7 मॉडल्स आती है पार्टी करती है, तो हमने बड़ा अलग सा दिखाया कि भैया वो बस पार्टी कर रही है जेल के कैदियों के साथ, तो चलेगी, बाकी उसमें सारे जेल के कैदी दिखाए। तो ऐसी जेल में तो मुझे लगता है हर एक आदमी जाना चाहेगा अगर ऐसी जेल बन जाए तो। अब फाजिलपुर में है वो जेल, किसी को आना है तो भैया आ जाओ, एड्रेस में मेंशन कर देंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात हो रहा है, कुछ लोग ना VFX करते हैं ऑन रोड, और मुझे लग रहा है जो आपने शूट किया ऑन रोड वाला, कहाँ शूट किया? गुड़गांव? इसे हमने गुड़गांव किया है। जिस टाइम शूट कर रहे थे थोड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा, भीड़ भूड़ क्राउड वगैरह? नहीं इसमें हमने गोल्फ कोर्स रोड पे किया था, थोड़ी बहुत तकलीफ हमें आई थी बाद में,
तो हमारे भाई हैं रमिक सिंह अलावत जी, उन्होंने परमिशन वगैरह बड़ी अच्छे से हमें दिलाई थी, तो उनकी वजह से कोई हमें रात को परेशानी नहीं, परमिशन थी। तो इस गाने में ना हम गाड़ी से बाहर निकल लो खिड़की से, तो चलान चुलन नहीं कटा आपका? ये परमिशन लेके गया था ना, वो चलान कटता है क्या? कोई घर का ही काट दे चलान के, हाँ भाई गिर ना जा तू। नहीं, उसमें मैंने पहले ही अंदर बैठा रखा था, पैर पकड़ लियो भाई। आप जाके गाना देखना, मतलब मुझे लग रहा है इसमें भाई ने बहुत ही यूनिक चीजें की है। गाड़ी से बाहर निकले, पूरे बाहर निकले, मतलब चेस्ट तक बाहर निकले, और पूरा स्वैग रहा है उस चीज का। अब गाना देखोगे समझ जाओगे। और नियर अबाउट अगर मैं बात करूँ तो 500 लोगों का क्रू है इसमें, आगे पीछे सारा। तो इसमें इतना, और जिस दिन हमने ये जेल वाला शूट किया था उसमें कम से कम नहीं तो 500 से 700 लोग थे। हाँ। मजा बहुत आया क्योंकि उसमें कैदी थे हमारे 300 के आसपास, और सारे बॉडी बिल्डर थे। मैंने तो बिहाइंड द सीन देखा जिसमें वर्कआउट कर रहे हैं सब लोग, क्योंकि जेल में दिखाना था कि भाई जेल में जो कैदी हैं वर्कआउट भी करते, क्योंकि सबको जेल गए, भाई जेल में नशे करते होंगे, पता नहीं क्या ही करते होंगे, तो वो माहौल देखा भाई जेल में ये काम भी होते हैं, वर्कआउट भी होता है, बॉक्सिंग भी होती है, कैसीनो भी था। हाँ, उसमें पैसे दिखाए, उसमें वो जो अपने नाक के साथ लिया था वो नमक था या क्या था? सर वो नमक था। और वो लेने के बाद कई देर तक तो कुछ समझ में नहीं आया, ज्यादा ही कुछ हो गया था। तो ये गाने की चर्चा हमने पूरी की है, और आप भी गाना सुनना, और भाई आपको एक डिफरेंट अंदाज में दिखाई देंगे वहाँ पे। और बात करके बहुत मजा आया, और आज सारा दिन हमने ले लिया भाई का। और बाकी आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? इस बोर्ड को सपोर्ट करो, लाइक करो, जाके कमेंट करो कैसा लगा आप लोगों को, और ये पॉडकास्ट कैसा लगा। मेरा दूसरा पॉडकास्ट है, मेरे को तो बड़ा मजा आया। और बाकी जो पायल जी के क्वेश्चन होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे निकल के आते हैं, बिल्कुल अंदर से। एक्चुअली मैं स्टडी करके नहीं आई हूँ, इंस्टेंट जो मेरे दिमाग में आ रहा ना मैं वही पूछ रही हूँ। अच्छा, मैं स्टडी नहीं करी। कल हम अजमेर शरीफ थे, एक्चुअली हम अजमेर शरीफ थे, और हमें सुबह जो भाई का कॉल आया उस टाइम सो रहा था, तो उसी टाइम मैं खड़ा हुआ, मैंने बोला पायल खड़ा हो जा फटाफट, भाई आएंगे और साथ में पॉडकास्ट करते हैं और चीजें हैं, तो हम बिल्कुल ऐसे तुरता फुर्ती में आए थे। मेरे ऊपर ज्यादा होमवर्क नहीं गया, मेरे को तो यहाँ से लग रहा था कि कुछ ना कुछ अब ऐसा आएगा निकल के, ये पता ही नहीं क्या होगा। और जिसने गाना नहीं सुना, बार बार यही बोलूंगा, जाके सुन लेना, जितने व्यूज आए इतने लोग वहाँ जाके सब्सक्राइब कर देना, और एक बड़ा सा धमाका कर देना इनके चैनल पे, यार मजा आ गया। और गाइस इंस्टाग्राम पे ना रील जरूर बनाना, बिल्कुल बनाना इस गाने पे, बहुत ही अच्छा गाना है, जिसने कमेंट करना। तो आप हमारी पब्लिक को कुछ मैसेज देना चाहते हैं आपकी तरफ से? मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे पॉडकास्ट आने वाले और भी बहुत भयानक, मैंने जो देखे भी उन्होंने बनाए हुए हैं पाइपलाइन में, इनके बहुत बड़े बड़े पॉडकास्ट हैं, और मैं सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूंगा इतना अच्छा पॉडकास्ट लेने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, आपको और आपकी ऑडियंस। प्यार है आपका, और ये हमारा सौभाग्य है फाजिल भाई पहुंचे, और जितने भी देखो आर्टिस्ट हैं, चाहे वो पंजाब के हो या हरियाणा के, तो हमसे जितना होगा हम सबके लिए सपोर्ट करेंगे और चीजों को बड़ा करेंगे, कलाकारों को बड़ा करेंगे, बाकी आप लोग हैं तो सब कुछ बड़ा हो ही जाएगा। थैंक यू सो मच, नमस्ते।